everybody welcome to visual learning portal where visuality conveys best today we are going to do class 10 ncrt chapter 3rd exercise 3.3 third question ka sixth part so sk kafi sorry part says substitution method i solve kar rahe. so let's solve this one five years hence the age of the jacob five years will be the three times that of his son so there is another one son फाइव ईयर्स अगो सो फाइव ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर बेसिकलीस सेवन टाइम्स ऑफ इट सन वट आर देयर प्रेजेंट एज सो जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वही हमने लेट करना है सो लेट कर लेंगे लेट द एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ओके जी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे अगर आपको सब्सिट्यूशन मेथड नहीं पता है मेक श्योर sure आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करो और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिखो ठीक है जी हमारे पास है फाइव ईयर्स हैंस तो हम इसको फाइव ईयर हैंस में मीन्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव अगर फाइव ईयर्स फादर की है तो सिमिलरली फाइव ईयर सन की भी होगी बट उसने कहा है द एज ऑफ जेकब विल बी थ्री टाइम्स सो मीन्स जेकब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द सन्स एज विच इज वाई प्लस फाइव सो मेक श्योर जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन बनानी है सो सी वन मोर टाइम फाइव ईयर्स हेंस मीन्स यू नीड टू एड फाइव बोथ द साइज एक्स एंड वाई द एज ऑफ जेकअब विल बी थ्री टाइम्स जेकब्स एज इज इक्वल टू थ्री टाइम्स विल बी मीन्स इक्वल टू थ्री टाइम्स द एज ऑफ द सन इक्वेशन को ओपन करेंगे x प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस थ्री इन फाइव इज फिफ्टीन एक्स इज इक्वल माइनस फाइव जब ये प्लस फाइव उधर जाएगा तो ये माइनस फाइव होएगा और मुझे x की फॉर्म में ये चाहिए बिकॉज मैंने ये वाली इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करूंगी अपनी सेकेंड इक्वेशन में जो कि हमारे पास सेकेंड लाइन में यहां लिखा हुआ है सो so, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन माइनस फाइव विल भी इक्वल्स टू टेन बट प्लस टेन क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस माइनस है और साइन विद द बिगर टर्म विच इज प्लस इज फिफ्टीन ओके सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस टेन सो ये ले लो आप इक्वेशन नंबर वन और राइट नाउ हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है हम उसको देखते हैं दैट इज जेकब्स एज वॉज सेवन टाइम्स सो सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे सो so, दिस इज फाइव इज अगो सो मीस एक्स माइनस फाइव सो पहले की बात कर रहे हैं ठीक है जी इज इक्वल टू सिमिलरली अगर फादर की फाइव ईयर तो सन की भी फाइव ईयर्स अगो होगी जेकअ एज वॉज सेवन टाइम्स सो सेवन को या मल्टीप्लाई कर दो ठीक है जी सो so क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चल रहा है ओपन करो ब्रैकेट को सेवन फाइव थर्टी फाइव सो एक्स

अब आप इसको x माइनस सेवन वाई भी लिख सकते हो माइनस थर्टी ऐसे भी आप इक्वेशन को, को लिख सकते हो इट्स वन एंड द सेम थिंग आप किसी भी तरह इक्वेशन को लिख सकते हो सो ये आ गई मेरी एक इक्वेशन इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर टू अब नेक्स्ट स्टेप क्या है एक्स की वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर वन से पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में ठीक okay? है आप लिख सकते हो इसको पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू फ्रॉम वन टू टू सो एक्स है मेरे पास थ्री वाई प्लस टेन थ्री वाई प्लस टेन माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्डी थ्री वाई माइनस सेवन वाई इज माइनस फोर वाई प्लस माइनस माइनस सेवन में से थ्री गए फोर सेवन बड़ा है साइन माइनस का है माइनस का फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्डी माइनस टेन प्लस टेन वेन गोज अदर साइड ऑफ इक्वल टू इट विल बिकम माइनस टेन माइनस फोर वाई माइनस थर्टी माइनस टेन विल बी इक्वल टू माइनस फोर्टी माइनस माइनस प्लस जब दो नेगेटिव साइन है तो प्लस होना है ठीक है जी और साइन नेगेटिव रहेगा माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा वाई विल बी इक्वल्स टू फोर फोर्टी डिवाइड फोर विच इज इक्वल टू टेन तो वाई की वैल्यू क्या आ गई है जी मेरे पास टेन मतलब मेरे पास किसकी एज आ गई है की एज आ गई है नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द एज ऑफ कैसे फाइंड करेंगे ये y की वैल्यू 10 10 जो आई है, आप इस इस इक्वेशन इक्वेशन में में डाल दो में डाल दो दो, या आपके पास वैल्यू आ जाएगी। y की 10 डालेंगे हम इसमें। x ऑफ y विच इज इक्वल टू 10. कंफर्म करेंगे एक बार टेन आई वाई की वैल्यू इक्वेजन है एक्स माइनस सेवन वाई एक्स माइनस सेवन वाई इज माइनस थर्टी इन इक्वेजन अब इक्वेजन विच इज इक्वेजन टू अदरवाइज यहाँ डालेंगे एक्स माइनस सेवन इंटू टेन माइनस थर्टी एक्स सेवन इंटू टेन सेवेंटी माइनस थर्टी एक्स इज इक्वस टू माइनस थर्टी प्लस सेवनटी जब माइनस साइन इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा एक्स विल भी इक्वल टू सेवेंटीन में से थर्टी निकालो फोरी इजी एक् सो हम लिख लेंगे दे आर फोर द एज ऑफ जेकब विच इज द प्रेजेंट एज इज फोरी विच इज एक्स द एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई वाई की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास टेन सो टेन सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द सब्सटीट्यूशन मैथड ऑलवेज रिमेंबर द रूल जब प्लस इक्वल टू के इधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा ठीक है जी जब माइनस इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और जब डिवाइड इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है वन मोर थिंग प्लस प्लस इज प्लस माइनस माइनस इज प्लस प्लस माइनस इज माइनस माइनस प्लस इज माइनस ऑलवेज रिमेंबर दीज आर कॉल द लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी मतलब दोनों पॉजिटिव है तो प्लस करना है दोनों नेगेटिव है तब भी प्लस करना है एक प्लस है दूसरा माइनस है मीन्स अनलाइक टर्म्स आप इनको अनलाइक टर्म्स भी बोल सकते हो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस करना है दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव है तो तब भी माइनस ही करना है मेक श्योर sure ये रूल्स याद कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है और ऑलवेज चेक द साइन ऑफ द बिगर टर्म बिगर टर्म के साथ जो साइन होगा आप लिख सकते हो इसको बिगर टर्म बिगर टर्म साइन इन आंसर आंसर में बिगर टर्म का साइन कैरी होगा हमेशा ऑल राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग विजुअल लर्निंग पोरहू Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.